Welcome back once again, and today we are solving exercise 4.3 for quadratic equation class 10th, and this time we will see how we can make square, how we can make square for quadratic equation for finding out the roots. So let us see what is the exercises and exercise 4.3 NCERT. और पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, इफ दे अगर वहां पे हैं, बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मींस इफ यू आर गिवन विद समथिंग यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर और वी कैन से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. सो वी नीड सम आइडेंटिटीज फॉर दैट. जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी मैं लिखता रहूंगा. लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर बुक एंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है. तो इसमें क्या करना है, तो बिफोर दैट मैं एक आपको आइडेंटिटी लिख के दिखाना चाहता हूं. a माइनस बी अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सो व्हाट डज इट मीन, हम इस आइडेंटिटी को इससे अगर रिजेंबल करें तो इस फॉर्म में लेके अगर हम आ गए, इफ वी आर एबल टू राइट दिस आइडेंटिटी इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म, वी कैन राइट इट इन द दिस फॉर्म. मतलब इस आइडेंटिटी का हमने स्क्वायर बना लिया. अच्छा, अब एक चीज मान के चलो, हमारे पास इस आइडेंटिटी में इसकी जगह क्या होता, सी स्क्वायर होता. इसकी जगह क्या होता, सी स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं होता. सो व्हाट वी नीड टू डू, अगर ऐसा होता तो इसको स्क्वायर बनाने में हम क्या करते, हम इसमें बी स्क्वायर ऐड करते और बी स्क्वायर माइनस करते, तो क्या होता, ये पर्टिकुलर टर्म मिलकर और ये पर्टिकुलर टर्म मिलकर हमें क्या दे देते, a माइनस बी का होल स्क्वायर और हमारे पास क्या बच जाता, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच जाता. तो वही चीज यहां करने वाले हैं. तो हमने यहां देखा, फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट वी हैव गॉट 2x स्क्वायर. तो 2 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं. अगर ये 4x स्क्वायर होता तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता, लेकिन ये तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा बाय 2. सो डिवाइड इक्वेशन बाय 2, पहला स्टेप. डिवाइड कुछ भी याद नहीं कर रहा है, हर चीज का रीजन दे रहा है, डिवाइड क्यों किया. तो क्या इक्वेशन मिल गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2. देखो ये क्वेश्चन मिल गई मुझे. अच्छा, ये क्वेश्चन मिल गई है. अच्छा, अब हमको फोकस करना है, अगर मैं इसको इस आइडेंटिटी से रिजेंबल कर दूं, इसको a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर में लेके आना चाहता हूं, इससे रिजेंबल करना चाहता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे. देखो, a तो x हो सकता है, a अगर x होगा तो जो 7/2 है, क्या 7/2 है, वो 2ab होना चाहिए. और b के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं. b के लिए हमको a की जगह तो हम ये पुट कर देंगे, तो एक की जगह हम यहां भी ये पुट कर देंगे, लेकिन बी तो हमें निकालना पड़ेगा. तो ये हमको जो 7/2x है, इसको हमको 2ab के फॉर्म में रखना पड़ेगा. किस फॉर्म में रखना पड़ेगा, 2ab के फॉर्म में रखना पड़ेगा. तो इसमें तो 2 है ही नहीं, तो हमने क्या किया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया. पहले क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, अब क्या हम इसको 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखते हैं. 2, अच्छा, a की जगह मुझे x रखना है, मैंने x रख दिया, मल्टीप्लाई बचा क्या मेरा, 7
into 1 by 2 into 2. क्या बचा मेरे पास? 2 into x into 7 by 4. मतलब I can put 7 by 4. I can put 7 by 4. ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि 2ab को मैं ऐसे क्यों लिखूंगा. फिर बच्चे याद करने की कोशिश करते हैं. तो क्या हुआ, मैं इसको अब लिखना हूं, मैं इसको लिखता हूं. तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x square माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 बाई 4 प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 का 3 बाई 2 0. अच्छा ठीक है, यहां तक. अब मैं इसको मिटा लता हूं. अब मेरे पास आइडेंटिटी क्या बन गई है, मेरे पास आइडेंटिटी बन गई है इस फॉर्म में. तो ए मिल चुका है, 2a मिल चुका है, b ये है. इसका मुझे स्क्वायर करना मिल जाए, इसका अगर स्क्वायर मुझे मिल जाए, मतलब अगर ये मेरे पास है, ये है मेरे पास, अगर मुझे इस क्वांटिटी का स्क्वायर मिल जाए, इस क्वांटिटी का स्क्वायर मिल जाए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, तो मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूँ x माइनस 7 बाई 4 का स्क्वायर. इसको लिख सकता हूँ, ठीक, इसको 7 बाई 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. लेकिन जब भी मैंने भाई अपनी मर्जी से मैंने जोड़ा है, तो मुझे अपनी मर्जी से यहाँ पे माइनस भी करना पड़ेगा, मुझे माइनस भी करना पड़ेगा और 3 बाई 2. मैं अपनी मर्जी से मैथ में कुछ भी नहीं जोड़ सकता, नहीं घटा सकता, इक्वेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो जब ये तो स्क्वायर कन्वर्ट हो गया, बचा क्या, बचा हमारे पास 7 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2. तो इसको अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 49 बाई 16 माइनस 3 बाई 2. और इसको मैं अगर जो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्या हो जाएगा, 24. तो ये क्या आ गया मेरे पास, 25 बाई 26 किसके बराबर आ गया. अच्छा देखो, यही हमें मेथड करना था कि हमने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट में कंप्लीट स्क्वायर कर दिया. ठीक, ये स्टेप आने के बाद हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको भी कैसे लिख सकते हैं. अच्छा, अब टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक और यहाँ पे नया स्टेप जुड़ने वाला है. देखो क्या स्टेप है वो, x माइनस 7 बाई 4 है, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 बाई 4 आएगा. अच्छा, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लेता हूँ, तो 2 आएगा, क्या माइनस 2 नहीं आ सकता भाई, माइनस टू भी तो 4 ही होता है. तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी. जब मैं किसी चीज का स्क्वायर रूट लूंगा आप क्लास 10th में, तब उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा. हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, प्लस 5 एंड माइनस 5 या और बेटर, ये ज्यादा अच्छा नोटेशन है. ठीक है, या मैं लिख लिया, जब लिख लिया तो मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, ये क्या हो गया, देखो, जब x माइनस 7 बाई 4 हमारा प्लस 5 बाई 4 के हुआ तो ऐसा, एंड या और, जो x माइनस 7 बाई 4 हमारा माइनस 5 बाई 4 के लिए हुआ तो ऐसा. अभी उधर जाके क्या हो जाएगा, हेडी होना है, तो 12 बाई 4 3, और इसकी बात करते हैं, ये वहां जाके ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, देखो भाई माइनस 5 बाई 4 है सेक्शन में, आप लोग उसे परेशान हो जाते हो, यही होगा. तो क्या आएगा आंसर, 2 बाई 4 दैट इज हाफ. तो आंसर क्या लिख सकते हैं इसका, आंसर मैं यहां लिखता हूं, क्या थोड़ा आंसर हो गया, एक तो 3 हो गया कॉमा 1 बाई 2, दो आंसर हो गए इसके,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन के ऊपर मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, ये क्या रूट्स ऑफ इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग, रूट्स ऑफ इक्वेशन, वी आर फाइंडिंग आउट रूट्स ऑफ इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² +4, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने स्क्रीन पे देखा होगा। तो यहाँ पे हमने अगेन क्या देखा कि 2 है, 4 नहीं है, तो मैं इसको अगेन डिवाइड करूंगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बिना लिखे भी लिख सकता हूँ क्या, x² प्लस, कैन आई राइट दिस, मैंने राइट कर दिया। अच्छा अब एक चीज मैंने क्या बोला था, बीच वाली टर्म काफी इम्पोर्टेंट है, बीच वाली टर्म काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको साइन प्लस का लगाया बीच में, साइन बीच में प्लस का लगाया, तो मैं कौन सी आइडेंटी कंसिडर करूंगा, प्लस वाली आइडेंटी। ये क्या होती है, a² b² और 2ab, और मैं 2ab बीच में लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि समझने के हिसाब से। अच्छा अगर a मेरा x² है तो यहाँ पे तो x आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर लिख दूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं कि ये किसके बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए किसके, x/2 के, ये चीज किसके बराबर आ जाए, x/2 के आ जाए हमारे पास। तो मतलब हमको यहाँ पे जो बीच वाली टर्म है x/2 उसको 2 × x × किसी फॉर्म में लेके आनी है, तो यहाँ तो 2 है ही नहीं, यही तो है बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म इस फॉर्म में लेके आनी है। तो देखो बीच वाली टर्म इस फॉर्म में लेके आनी है, तो पहली बात तो 2 की कमी है, कोई बात नहीं, 2 की कमी हमने पूरी कर दी, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 मुझे नीचे भी तो लगाना पड़ेगा भाई, नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ अब देखो 2 पूरा हो गया, x पूरा हो गया, बचा क्या, बचा 1/4, इसका मतलब ये टर्म 1/4 से भरी जाएगी, और 1/4 से भरी जाएगी तो इसका मतलब बी है 1/, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी क्या हो गया, 1/4 हो गया बी, इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस ऐड तो करना ही पड़ेगा। अच्छा और इसी का स्क्वायर मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। तो देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या किया, x² + 2 × x × 1/4, ठीक, इंटू लगा रहा है मैं, लगाया हुआ है वहां पर, प्लस 1/4 का। अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, कि मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि हर बच्चे के समझ में आए, ठीक है। ये जीरो हुआ तो क्या नहीं, रब मैं मिटालता हूँ, नीचे शुरू करूंगा अब मैं, एक बार आप देख लो, तो अगर ये चीज है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा x + 1/4 का स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस का 2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 33/16। देखो एक बार, देखो तो मेरे पास क्या आ गया है, क्या आ गया है, मेरे पास आ गया है, मैं दोबारा यहां पे लिखता हूं, x + 4² = 33/16। अब तो क्लियर हो रहा है, ये मेरे पास आ गया है। अच्छा ये चीज मैंने इसलिए निम डाली कि आपको समझ में आई वाली चीज आपने देख ली होगी, मैंने किसको, मुझे ये बीच वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में लेके आना था, ठीक है, मैं इसको मिटाल रहा हूँ। अच्छा आपको जरूर, तो दोबारा आप करके देख लेना, तो जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, जब स्क्वायर रूट लूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या मिलेगा मुझे, x + 4 मिलेगा ही मिलेगा,
और यहाँ पे प्लस माइनस, ये तो 33 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया है, तो स्क्वायर रूट के बाद 33 तो आ नहीं पाएगा, 4 तो आ जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्या मतलब हुआ, जो x प्लस 4 है या तो प्लस 33 बाई 4 के इक्वल होगा, और x प्लस 1 बाई 4 है ये माइनस 33 बाई 4 के इक्वल होगा। तो ये जब ये वहां जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ आपको, 33 माइनस 1 बाई 4 ये वहां गया, वहां जाके माइनस हो गया। अच्छा, और x क्या हो, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 33 माइनस 1 बाई 4, देखो ये दो आंसर हो गए हमारे पास, दो आंसर हो गए। दोनों आंसर आपको लिखने हैं, एक आंसर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार प्लस 33 के साथ मैंने वहां जाके इसको केवल माइनस कर दिया है, तो एक आंसर मेरे पास x का ये हो गया और एक आंसर मेरे पास x का ये हो गया। सो यू कैन सी हाउ वी हैव परफॉर्म दिस इक्वेट क्वेश्चन। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे आगे सॉल्व होंगे। देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं हम लोग, ये हमारा थर्ड पार्ट है, थर्ड क्या है, 4x² √3। इसको मैं फास्ट मोड पे बताऊंगा, फास्ट मोड पे बताऊंगा। देखो मैं इसको 2x² बना सकता हूँ, नो डाउट मैं इसको 2x² बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो 2 × 2x ये क्या हो गया, 4x, यहाँ पे बेटा 4x और होगा, उसमें भी नहीं है, एक मिनट एक्स हाँ, तो अब 4x तो हो गया, अब √3 और बचा है, √3 देखो ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ये लिखा है 3, इसको भी मैं लिख सकता हूँ √3² तो क्या आंसर हो गया मेरे पास, मेरे पास ये हो गया 2x + √3² टेकिंग स्क्वायर रूट, तो किसी को जोड़ना ही नहीं पड़ा, क्या हो गया 2x √3, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 आएगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, तो क्या आ जाएगा 2x = −√3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस कैन बी वैल्यू। अच्छा, और ये रिपीटेड रूट है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट तो वही होंगे, तो ये 2 times वैल्यू आएगी, ठीक है, 2 times वैल्यू। तो यहां पे है तो ये 0 है, तो ऑल्दो 0 ± नहीं होता, 0 ± नहीं होता है, लेकिन इसका मैं कहने मतलब क्या है, चाहे 0 से माइनस किया जाएगा या सबट्रैक्ट किया जाएगा, आपके पास दो रूट आएंगे, क्या रूट आएंगे, रिपीटेड रूट्स। अगले उसमें मैं ये चीज क्लियर करूंगा। नाउ नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है हमारा वो देखते हैं हम लोग, आखिरी पार्ट देखते हैं, वो हमारी स्पीड बन रही है, कॉन्सेप्ट हमें धीरे सीखना है। देखो ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट है वो धीरे से सीखना है और क्वेश्चन स्पीड से बनाना है। अच्छा, स्क्वायर करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, x² ठीक है, ओके। नाउ अब मुझे पता है कि ये x² है, मुझे 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो देखो अब देखो अब आप सोच रहे होंगे सर पहले आप बड़े धीमे धीमे पढ़ाते हैं, तो अब क्या किया जाए बताओ भाई, तो मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट क्यों नहीं सीखा आपने। मैंने इसको 2ab में कन्वर्ट किया और क्योंकि 1/4 आया है, उसी का स्क्वायर माइनस किया है, उसी का स्क्वायर प्लस किया है, तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, एक्स क्योंकि प्लस है यहाँ पे, तो एक्स प्लस स्क्वायर और बाकी चीज वहां चली जाएगी,
मतलब ये 1/16 है और ये -2 है, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आप करके देखो, करके देखो आप, ये क्या आ गया मेरे पास। अच्छा ये मेरे पास आ गया -31/16। अच्छा ये बताओ, कोई नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट माइनस आ जाए? तो क्योंकि अभी आपके हिसाब से अगर आपके पास कभी ये टर्म आ जाती है -a, तो आप बोलोगे y does not exist, मतलब y के रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली अभी मैं इसका स्क्वायर नहीं ले सकता, ठीक, तो क्या लिख देंगे, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल या स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सॉरी स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर इस तरीके से कंडीशन आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर किसी के टर्म में स्क्वायर रूट में किसी का स्क्वायर लेने पे नेगेटिव आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं रूट डज नॉट। सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो अगर मैं देखता हूं थर्ड क्वेश्चन में जो क्या है, मुझे ये दे रखा है, बताया गया है एक्स इक्वल टू जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसका मतलब केवल इतना ही है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो मुझको इसके रूट निकालने हैं, और डेफिनेटली हम लोग इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करके ही रूट निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन विद एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, अच्छा ये यहां पे आ जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया। अच्छा अब मुझे अगर स्क्वायर बनाना है इसको, तो मुझे ये जो 3x है, उसको मुझे 2ab में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और विद x एज अ 1। तो अगर मैं इसको 2 निकालूंगा तो मुझे 2 से साइन छोड़ो, मुझे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 मेरा आ गया। अच्छा x यहां पर है, बचा क्या, 3/2, मतलब अगर एक्स स्क्वायर है मेरे पास और मुझे 2 × a × b में लिखना है, तो देखो एक्स तो ये कर, एक्स ये कवर हो रहा है और इसका स्क्वायर मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो इसका स्क्वायर मुझे माइनस भी करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा मेरे पास, -1 तो है ही उसके साथ। तो ये चीज है लिखा रखना होगी, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ माइनस आएगा, और ये क्या मिल गया देखो 9/4 -1, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो डेफिनेटली ये वहां जाके ऐड होने वाला है, तो मैं ऐड करके इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ 13/4, और ये इस तरीके से आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट, जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जो x माइनस 3/2 है वो हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 13/4 के बराबर होगा। अच्छा 13 तो बाहर आ नहीं सकता रूट के, लेकिन 2 बाहर आ जाएगा, तो मैं मिटाता हूं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब होगा देयर बोथ दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस 3/2 या तो प्लस इसके बराबर होगा, और एक्स माइनस 3/2 माइनस 13/2 के बराबर होगा। तो एक्स ये वहां जाके ऐड होने वाला है,
ये वहां जाके ऐड होने वाला है या तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर और द, अब देखो क्वेश्चन हमारी स्पीड बन रही है, क्वेश्चन की हमारी स्पीड बन रही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक्स प्लस फोर माइनस एक्स माइनस सेवन इलेवन बाय थर्टी वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एक्स इज नॉट इक्वल टू सेवन। ये क्वेश्चन हमारा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन वन। तो देखते हैं हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको मैं डाल रहा हूं। हाँ तो अगेन ये मैंने जैसे लीनियर इक्वेशन में ही बताया था, या तो आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 30x प्लस 4x माइनस 7 से, ये सबका एलसीएम आएगा। ये भी तरीका मल्टीप्लाई करने का है, ये भी कर दो। लेकिन अगर आपको टफ लगता है तो मैंने इसको यहां जोड़ लिया, इसको मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको यहां पे सिंपली जोड़ लिया, मैंने सिंपली यहां पे इसको जोड़ लिया और ये ऐसे का ऐसे रहने दिया। अच्छा ये माइनस फोर क्यों दे रखा है, अगर माइनस फोर में यहां पुट कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा। तो जब नीचे जीरो हो जाएगा तो कैसे डिवाइड होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सेवन यहां पुट करता हूं तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए दिया हुआ है, इसका और कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये हो गया, अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो ऊपर माइनस इलेवन बचेगा और ये नीचे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 28 और ये क्या हो गया 11 बाय 30। मैं 11 से 11 काट रहा हूं तो ये इक्वेशन मुझे क्या मिल गई, माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये इसको रीअरेंज करके क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा स्क्वायर पूरी करके करेंगे हम लोग, किसी तरीके से करते हैं, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर की एक्सरसाइज में कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए माइनस तो है, माइनस को बाद में कंसिडर करेंगे, पहले टू लिया तो टू तो है नहीं, इसलिए टू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक्स है, एक्स ले लिया और थ्री है, मतलब थ्री भी है। अब देखो टू से टू कटेगा, थ्री एक्स बचेगा, तो मुझे इसके स्क्वायर का मतलब इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा और इसी के स्क्वायर का मुझे माइनस करना पड़ेगा और यहां बचा टू। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, एक्स माइनस थ्री बाय टू। माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस यहां पर है। अच्छा तो नाइन बाय फोर प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर देखो एट आ जाएगा ना भाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, डायरेक्ट वहां लिख रहा हूं वन बाय फोर। जब स्क्वायर रूट लिया हमने, जब स्क्वायर रूट लिया तो थ्री बाय टू क्या हो गया, प्लस माइनस वन बाय टू, वन बाय टू। तो क्या आ जाएगा, या तो एक्स प्लस टू होगा, प्लस टू होगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू ये देखो यहाँ पे माइनस थ्री बाय टू वहां जाके जुड़ जाएगा, माइनस टू माइनस जो ये है हाफ में थ्री बाय टू जुड़ जाएगा, आंसर आएगा फोर बाय टू इक्वल टू व्हाट, टू। अच्छा जब मैंने एक्स बाय थ्री को ये एक्स माइनस थ्री बाय टू को माइनस हाफ लिया तो ये क्या होगा, माइनस हाफ प्लस थ्री बाय टू क्या हो जाएगा, टू बाय टू क्या हो जाएगा, टू बाय टू, टू बाय टू, टू बाय टू क्या होता है वन। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का आंसर आ गया मेरे पास टू और वन, ये आंसर मेरे पास आ गया। देखा हमने इसको सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।